हाँ, बस बस झंडा को नीचे मत रखिए, उसको यहाँ रख दीजिए। इसी के कारण तो तुम्हारी अर्जी लगी। आपने पकड़ रखा था हनुमान जी के झंडा का डंडा, और इसीलिए हनुमान जी ने तुमको यहाँ बुला लिया। हाँ, माइक लो, माइक से नहीं बोलना। अच्छा कोई बात नहीं, कहाँ से हो? ये परिचय तो माइक से दे सकती हूँ। बैठाओ माइक। काठमांडू। ओ वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कभी बागेश्वर धाम गई? नहीं गई। कैसे पता चला तुम्हें बागेश्वर धाम के बारे में जब नहीं गई? तो आप मानती हो कि ऐसा हो सकता है? आप कभी बागेश्वर धाम जाना चाहोगी? अच्छा, हिंदी आती आपको सही? पढ़ लेती? अच्छा बहुत अच्छा है, बस पढ़ना ही जरूरी है। हमने लिख लिया, आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं, बागेश्वर हनुमान जी से क्या समाधान चाहती। किसने? एक प्रश्न और लिखा, अच्छा अगर हम गलत बोलें तो आप हमें टोकना। तीन बातें हैं। हाँ, पहला है आपके स्वास्थ्य के बारे में, है दिक्कत? माइक ले लो। आपको पेट में दिक्कत है? है, ठीक, पढ़ दे जाइए। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट में दिक्कत रहता है, पूर्व में आपको रोग बन गया था, वर्तमान में कैंसर में आराम है। नंबर दो, घर में बेटी बहुत क्लेश करती है, बहुत ज़्यादा आवेश आता है उसको, घर में प्रेत बाधा के प्रभाव के कारण दिक्कत है, आपको भी शरीर में कंपन होने लगता। नंबर तीन, आप अपने दामाद की अर्जी लेकर आई हैं, वो जेल में है, किसी मंत्री के द्वारा षड्यंत्र किया गया है, सत्य की जीत होगी, वो निकल आएंगे, आशीर्वाद है। पक्का? जय सियाराम। साधु जी, साधु जी, साधु जी, हम इसमें नाम नहीं लेंगे वरना यहां की सरकार में उपद्रव मच जाएगा, आपको भी दिक्कत जाएगी, पर गृह मंत्री .. जय सियाराम। इसमें राजनीति बहुत है, बहुत लोग इसमें शामिल हैं, बहुत लोग शामिल हैं, बालाजी कृपा करें, सत्य की जीत हो, और आप चिंता ना करो। एक हमने मंत्र लिखा, हनुमान जी पर भरोसा और कानून पर भरोसा रखो, इस देश में संविधान भी है, इस देश के संविधान के अंतर्गत और कानून के अंतर्गत भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से सत्य की विजय हो, ऐसा आशीर्वाद है। जय श्री आराम। बात एकदम सही, माइक से बोलो, क्या ये बातें सही हैं? एकदम सही। आपने किसी को ये बताई तो नहीं पहले से? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? एकदम सही। जाओ, जय श्री आराम।